हे गाइस, दिस इज राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमने कुछ बुक्स के लिंक रखे हैं, वहाँ से आप बुक्स को खरीद सकते हैं, और हमारे वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरह अगर आप फार्माकोलॉजी 3 के नोट्स को भी कॉपी करना चाहते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक चैनल की लिंक है हरी फार्मा, आप वहाँ से वीडियो को टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में। तो जो पेनिसिलिन है उसे दो तरीके से डिग्रेडेड किया जाता है। तो हम इस डिग्रेडेशन को जानने से पहले पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। जो पेनिसिलिन होता था वो पहले के समय में येलो टू ब्राउन कलर में हुआ करता था, जो कि अमरफस पाउडर में होता था, और वही पेनिसिलिन जो रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल होता था, और इससे स्टोर करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर या फिर रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती थी। और जो पेनिसिलिन है वो अनप्लीजेंट टेस्ट है, बहुत ही गंदा सा टेस्ट है पेनिसिलिन का। लेकिन बाद में जो पेनिसिलिन है वो पेडियाट्रिक डोसेस फॉर्म में आने लगा, यानी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, हाइट, चाइल्ड डोस, अडल्ट डोस, उसके हिसाब से वो पेडियाट्रिक डोसेस में आने लगे। और जो पेनिसिलिन है उसको मॉडिफाई करके, कुछ प्यूरिफिकेशन करके, उसे वाइट कलर क्रिस्टलाइन में बनाया गया, जो कि मॉइस्चराइजर, जो मॉइस्चर होता है उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता था। फिर जो पेनिसिलिन है उसे ड्राई जगह पर रखा जाता था, और उस जो है उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है पेनिसिलिन के साथ, जिससे वो एक स्टेबल, बहुत बहुत दिन तक वो एक कंडीशन में स्टेबल रहता था। और जो पेनिसिलिन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो पेनिसिलिन के जो असाइल साइड होता है वो पेनिसिलिन के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी उसको अफेक्ट करता है। और दोस्तों, जो पेनिसिलिन होता है उसको जो कैटायन है, कैटायन को यूज़ करता है ताकि सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स को प्रोड्यूस कर सके। और जो सोडियम या फिर पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ पेनिसिलिन होता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है पेनिसिलिन, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट की पेनिसिलिन वाटर पर सॉल्युबल होता है, फिर उसे ओरली या फिर पेरेंटरली लिया जा सकता है। लेकिन कुछ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑफ पेनिसिलिन होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो वाटर एयर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, जो कि उसे स्टोर करने के लिए एक पैक्ड सील कंटेनर में रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्टेप वन के बारे में। स्टेप वन, केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। तो दोस्तों, स्टेप वन में जो पेनिसिलिन डिग्रेडेड होता है वो स्पेशली बीटा लैक्टम रिम के साथ रिएक्टिविट होता है, यानी जो पेनिसिलिन है उससे वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है और वो बीटा लैक्टम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हाइड्रोलाइज किया जाता है, और ये जो हाइड्रोलाइज किया जाता है पेनिसिलिन को, वो स्पेशली पीएच जो है पीएच पर अफेक्ट करता है, यानी पीएच के ज़रिए वो अफेक्ट करता है, और जो एक स्ट्रेन बनता है, रिंग स्ट्रेन किससे बनता है, एक बीटा लैक्टम रिंग और थायजोलिनिडाइन रिंग से कॉम्बिनेशन बनता है पेनिसिलिन का। और ये जो स्ट्रेन बनता है, ये स्ट्रेन जो है जो रिलीव होता है किसके ज़रिए, ब्रेकिंग ऑफ बीटा लैक्टम विच बाय आइदर सैचुरेटेड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो दोस्तों, ये जो एक स्ट्रेन बनता है न्यूक्लियोफिल, यानी जो थायजोलिडिन रिंग और बीटा लैक्टम रिंग के, तो ये जो है एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चलते जो कार्बोनाइल ग्रुप में अटैक करता है, और जो जिससे पेनिसिलिनिक एसिड बनता है, और वही प्रोटोनेशन होकर नाइट्रोजन में अफेक्ट करके पेनिसिलोनिक एसिड बनता है। तो आप इस रिएक्शन के जरिए अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। जब पेनिसिलिनिक जो स्ट्रक्चर है अगर वो उसे हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो स्पेशली पीएच के ऊपर डिपेंड्स रहता है, और ये जो हाइड्रोलाइज किया जाता है ये स्पेशली बीटा लैक्टम के साथ रिएक्ट करता है। तो बीटा लैक्टम के जो कार्बोनल ग्रुप्स है उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोटोनेशन होकर जो है एक पेनिलिक एसिड बनता है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोनल ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं है, जिससे पेनिलिक एसिड बनता है। जो यहाँ पर जो है एक बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर अब्सेंट है, क्योंकि तो 5 मेंबर रिंग बन चुका है। और वही जो पेनिलिक एसिड जो नेक्स्ट जो नाइट्रोजन के साथ प्रोटोनेशन करके पेनिलियोक एसिड बनता है, नेक्स्ट पेनिलोइक एसिड बनता है। तो जो नाइट्रोजन रहता है यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर इस तरफ आ गया है, एक असाइल कार्बन असाइल ग्रुप यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है, तो जिससे पेनिसिलोनिक एसिड बना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो पेनिलोइक एसिड बन चुका है, जो कि एक असाइल कार्बन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। और दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में थोड़े डिटेल ही देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्पेशली असाइल अमायोसाइड चेन के ऊपर इफेक्ट करता है। तो असाइल अमायोसाइड जो यहाँ पर है, असाइल अमायोसाइड, जिसमें डबल बॉन्ड ऑफ ओ ग्रुप है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट उसके साइड में जो बीटा लैक्टम रिंग में ही जो कार्बन होता है वो भी न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इसलिए ये जो है उसे अट्रैक्ट करता है, इज एबल टू अटैक द नेबर कार्बन ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग। यानी जो एक असाइल अमाइनो ग्रुप है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ ओ है, वो इस पे वो न्यूक्लियोफाइल होता है। वही न्यूक्लियोफाइल जो नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन है उसके उसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए जो पेनिसिलिन है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और यही सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे दूसरे न्यूक्लियोफाइल, जैसे वो अल्काइल अमाइन हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, ये जो है ये यही अट्रैक्शन अट्रैक्ट को रोकने के लिए इसे हम इसके तौर पर उसे यूज़ किया जा सकता है। जो बीटा लैक्टम रिंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिलिक एसिड अमाइड एंड एस्टर्स। यानी जब हम यहाँ पर उसके अट्रैक्ट को रोकने के लिए हम वहाँ पर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे अल्काइल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, या फिर अल्कोहल को यूज़ करते हैं, जिससे बीटा लैक्टम उसके साथ रिएक्ट होकर वो हाइड्रोक्सिलिक एसिड या फिर अमाइड या फिर एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेनिसिलिन है, जब उससे हम एसिड से रिएक्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन से, वो हम फर्स्ट स्टेप में किए थे हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर हम कर रहे हैं एसिड से, या वहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ से रिएक्ट होकर फर्स्ट पेनिसिलिनिक एसिड बनता है, फिर उसे हाइड्रोलाइसिस करने के बाद पेनामाइल्डिक एसिड बनता है। वही पेनामाइल्डिक एसिड जब फिर से रिएक्ट होकर पेनिसिलामाइन एसिड और पेनाल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड ग्रुप बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है उसे डिसोसिएट करने के बाद। फिर उसे हम फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, जिससे पेनिसिलियोअल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, जब हमने पेनिसिलिन को जब ये जो उसके अट्रैक्ट को रोकने के लिए हम कुछ आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोफाइल को यूज़ किए थे, अल्कालामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन या फिर अल्कोहल, तो वही बीटा लैक्टम के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्सामिक एसिड, अमाइड्स और एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, इसी के चलते जो यहाँ पर जो रिएक्ट होता है, एक उस रिएक्ट के चलते जो कुछ लोगों में जो पेनिसिलिन को इंजेक्ट किया जाता है, तो वो कुछ लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है वो बीटा लैक्टम के जो कार्बोनल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट हो जाता है, जिसके ज़रिए कुछ एलर्जिक रिएक्शन को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।